मैं माननीय राज्यपाल उड़ीसा श्री रघुवर दास महोदय से अनुरोध करूंगी, वह हमारे पारंपरिक बांधा कड़ा उत्तरीय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सत्कार करें। पुष्पगुच्छ एवं हमारे पारंपरिक बांधा कड़ा उत्तरीय। मैं उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी महोदय से अनुरोध करूंगी, वह हमारे विश्व प्रसिद्ध तारकसी से बना हुआ श्री मंदिर के आकृति के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सत्कार करें। सुंदर दृश्य मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से देश में सेवा पक्ष का आरंभ होता है और आज अपने जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा वासियों के साथ सांसद माननीय श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदय, बलांगीर सांसद श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव महोदय, कलाहांडी सांसद श्रीमती मालविका देवी, राज्यसभार माननीय सांसद ममता महंत महोदय, आस्कार माननीय सांसद श्रीमती अनिता शुभदर्शिनी महोदय, मंत्रिमंडल समस्त सदस्य, विधायक, सांसद, बुद्धिजीवी, गणमाध्यम एवं मो सामने उपस्थित एवं प्रत्येक ब्लॉक रे जोड़ी होता समस्त ओडिशार माँ और भौनी मान को प्रणाम जनाऊँ। ओडिशार शक्ति स्वरूप माँ और भौनी मान सुभद्रा होची मोदीजी ग्यारंटी और आमर संकल्प जहाँ आउ किछि मुहूर्त पूरण होबाकु जाउची। सुभद्रा को एक कोटी रु ऊर्ध महिला पाखक पहुंचेबार लक्ष्य रखा जाइथिबा बेले गत काली सुधा
72 लक्ष महिलांकर पंजीकरण सरिलाणी ओडिशा सरकारंकर जुगांतकारी योजना सुभद्रार स्वागत पदयात्रा रे गोटिए दिन रे 68 लक्ष 18 हजार मिशन शक्तिर महिला माने सामिल होई यहाको हृदयर सहित एक जुगांतकारी योजना भावे स्वागत करिचंती। संघर्षरु सशक्ति, सशक्तिरु समृद्धि, समृद्धिरु विकास, विकसित ओडिशार मूलपिंड हब सुभद्र। मोदी अछंती त सबु संभव। जय जगन्नाथ, जय मा सुभद्रा। धन्यवाद सम्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदया। ए सशक्त शब्द सुभद्रार शुभारंभ कार्य को आहुरी सफल करिछि। आम गणरे उपस्थित ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय अनुरोध करिबि सभा को संबोधित करिबे। जय जगन्नाथ। आजिर एही ऐतिहासिक मुहूर्त रे एठारे उपस्थित आपण मानंकु समस्तंकु विशेष करी माँ मानंकु मु बहुत बहुत अभिनंदन जनाउछि। आज हमारे साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। वो केवल हमारे देश के ही नहीं बल्कि सारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज उनका शुभ जन्म दिवस भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सारे माताओं और बहनों के तरफ से एवं ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों के तरफ से आपका जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व से आपके लिए अभिनंदन आ रहा है। आज के दिन इस शुभ अवसर पर आप हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मुठारे उपस्थित सब माँ मानंकु खूब जोर रे हुलहुड़ी पकाई प्रधानमंत्री को जन्मदिनर शुभेच्छा जनवाक अनुरोध करूँगी। माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास जी, माननीय केन्द्र जनजाति व्यापार मंत्री श्री जुएल ओराम महोदय, माननीय केन्द्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदय, माननीय केन्द्र महिला और शिशु विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनक बर्धन सिंहदेव महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती पैडा महोदया, माननीय सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया, माननीय सांसद श्रीमती संगीता सिंहदेव महोदया, माननीय सांसद श्रीमती ममता महंत महोदया, माननीय सांसद श्रीमती मारविका देवी महोदया, माननीय सांसद अनिता प्रियदर्शिनी पटनायक महोदया, उपस्थित समस्त नेतृमंडली और विशिष्ट व्यक्तिगण, उपस्थित राज्य सरकारंकर समस्त मंत्री परिषद सदस्यगण, माननीय समस्त विधायकगण एवं एठी उपस्थित थिबा समस्त सांसदगण, आज सभारे उपस्थित हजार हजार माँ भौणी और भाई मैंने आज ऐतिहासिक मुहूर्त समस्त को मोर शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। आम सरकार क्षमता को आसवा पूर्वरु माँ मानंका पाई सुभद्रा योजनार प्रतिश्रुति देथिले। जगन्नाथ संस्कृति रे माँ सुभद्रा हेउछंती शक्ति स्वरूपणी और समता प्रतीक। कथा अच्छी जे माँ हेले पाठोई देश जीव आगे, ठीक से हीपरि जने महिला अर्थनैतिक दृष्टि सशक्त और स्वावलंबी हेले परिवार सामाजिक अर्थनैतिक निरापत्ता सुदृढ़ होइथाए। समानको आर्थिक क्षेत्र रे स्वावलंबी करिया पाई एवं अर्थनैतिक प्रगति पाई सुजोग प्रदान करिबाकु ओडिशा सरकार आनी एक प्रगतिशील तथा वैप्लविक योजना सुभद्रा।
आम समस्त अत्यंत आनंद खुशी कथा जे सुभद्रार शुभारंभ पर भारत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आज आम सहित अच्छा प्रधानमंत्री माँ का प्रति भक्ति और सम्मान को आम समस्ते अनुभव करे माँ ही थिले अभिनव उज्ज्वला योजनार प्रेरणा माँ का दुख कष्ट को अनुभव करथिबा यशस्वी प्रधानमंत्री दायित्व ग्रहण कलापर आरंभ करथिले देशर समस्त गरीब माँ मानंकु ग्यास जगाई देबार महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना आज यही योजना विश्वर अन्यतम बृहत लोककल्याणकारी योजना ओडिशारे प्राय 53,20,000 महिला हिताधिकारी एवं देशरे 10,35,00,000 गरीब महिला यही योजना द्वारा उपकृत होउछंती सबुबेले प्रधानमंत्री प्राथमिकता भितरे गरीब युवक महिला और कृषक रही आसीछंती सुभद्रा योजना को आम जुगांतकारी वैप्लविक एथिपाई कहुछु जे यही योजना ओडिशार महिला मानंकर अवदान प्रति आमर नम्र तथा कृतज्ञतापूर्ण स्वीकृति यही योजना रे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी माध्यम रे ओडिशार मां मानंकर बैंक खाता को सीधासळख अर्थ प्रदान करा जीवो जहाँ को सामने निज आवश्यकता अनुजाई व्यवहार करी परिवे यही अर्थ को सामने क्षुद्र व्यवसाय घर उद्योग तथा पिलांक शिक्षा पाए विनियोग करी परिवे आम सरकार गठन हबार प्रथम दिन रे कैबिनेट बैठक करी जो चारोटी मुख्य प्रतिश्रुति पूरण पाए निष्पत्ति नहीं सेथिरे सुभद्रा योजना अन्यतम आम सरकार गठन 100 दिन मध्य माननीय प्रधानमंत्री जी करकमल यही योजनार शुभारंभ कर राज्यवासी प्रति आम आम प्रतिश्रुति पूरण करुछु सुभद्रा योजन राज्यर 1 कोटी अधिक माँ एवं भौणी माने उपकृत हेबे एहा आम राज्यपाई सबुठारु बड़ जनहितकारी योजना आमपाई खूब आनंदर कथा जे यही योजना प्रति माँ मानक मध्य अद्भुतपूर्व उत्साह देखा मिलूँ सुभद्रा योजना से ही सब माँ मानक साखे अदम्यपाई आग्रह अच्छी किंतु सामान हाथ में पुंजी ना माँ मैंने किसी रोजगार करने इच्छा तो रखती किंतु किभरी आरंभ करेंगे जापार सुभद्रा योजना यहभरी माँ मानक स्वप्न पूरण करने सातवर्ष 2टी किस्ती ओडिशार माँ मैंने 10,000 टंका पाइबे यह सामान बैंक खाते में सीधासलख जमा हे 5 वर्ष सर्वमोट 50,000 टंका आज आपण मानक आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय सूचना देवाक चाहूँ आमर प्रिय प्रधानमंत्री जी दूरदृष्टि संपन्न उद्यम आरंभ हो स्वच्छ भारत मिशन चलित बर्ष एक दशंधि पूरण करुच्ची अवसर में सारा देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यकारी कर 15 दिन पर्यंत चलो मु सारा राज्यवासी को अनुरोध करुच्चे समस्त स्वच्छता ही सेवा अभियान में निजक सामिल कर सारा देशर 1 नंबर करने उद्यम करतु माननीय प्रधानमंत्री आज एठार उपस्थित रही सुभद्रा योजना को ओडिशार महिला लोकार्पित करने आम समस्त विशेष भाव आनंदित मार्गदर्शन ओडिशार एक विकसित राज्य हाबाई यात्रा आरंभ कर 2036 सुधा ओडिशा को भारत एक अग्रणी राज्य में परिणत कर लक्ष्य पूरण दिगरे यही योजना महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर माननीय प्रधानमंत्री स्वप्न होरांचल हो ग्रामांचल प्रत्येक लोक गोटे लेखाएं पक्का घर जगेद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजन सारा देश में आज माननीय प्रधानमंत्री 15 लक्ष हिताधिकारी अनुमोदन पत्र प्रदान कर 10 लक्ष हिताधिकारी प्रथम किस्ती आवंटन कर प्रधानमंत्री आवास योजना सहरी 2.0 योजन गाइडलाइन उन्मोचन होवास प्लस 2024 आप उन्मोचन होया सहित माननीय प्रधानमंत्री ओडिशापी अनेक गुरुत्वपूर्ण जातीय राजपथ और रेल प्रकल्पर शुभारंभ करुंक जातीय राजपथ एवं रेल प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करती निकट में प्रधानमंत्री ओडिशापी 3टी वंदे भारत एक्सप्रेस शुभारंभ कर ये सब विकास कम प्रमाणित करुच्ची जे डबल इंजन सरकार रे ओडिशार विकास रो गति क्षिप्र होशस्वी प्रधानमंत्री मोदीजी नेतृत्व में ओडिशार विकास प्रक्रिया त्वरान्वित हो 2036 रे जिते बड़े स्वतंत्र ओडिशा गठन 100 वर्ष पूर्ति पालन हेब से आमर GSDP $500 बिलियन रे पहुँचव 2047 मसीह 1.5 ट्रिलियन डलारे पहुँचव
प्रधानमंत्री मोदी जी ओडिशार विकास प्रति सबुबले स्वतंत्र ध्यान दे आसी से बारंबार कहते जे पूर्वोदय ओडिशा सबुठारु अग्रणी राज्य हम देशर विकास इंजिन रे ओडिशा प्रथम बगी हम वर्तमान ओडिशा रे जो क्षिप्र गति रे विकास धारा आगे चली ओडिशा निश्चय तार ईप्सित लक्ष्य हासिल करिवो। माननीय प्रधानमंत्री जी का ओडिशा वासियों के लिए असीम स्नेह और श्रद्धा की कोई तुलना नहीं है। मैं 4.5 करोड़ ओडिशा वासियों के तरफ से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता अर्पण करता हूँ। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपणकर शुभ शब्द सुभद्रार शुभारंभ कार्यक्रम आम माँ मानक शक्ति सामर्थ्य देछि। सुभद्रा राज्यर महिला मानंकु सशक्त करिबा पई राज्य सरकारंकर संकल्प एवं प्रतिबद्धता। आज प्रथम पर्यायर आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदय करकमल 25 लक्ष ऊर्ध हिताधिकारी 1250 कोटि ऊर्ध प्रोत्साहन राशि दिजिव एवं सुभद्रा सूचना पुस्तिकार शुभ उन्मोचन हम। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह रिमोट का बटन दबाकर सुभद्रा का शुभ आरंभ करें। श्री नरेंद्र मोदी जी। अब हमारे महिलाओं के सपनों को आकांक्षाओं को उड़ान भरता हुआ देखेंगे एक विशेष ऑडियो विजुअल के जरिए। कैन वी हैव द एवी प्लीज। କୁନ୍ତଳା ମୀନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବାସନ୍ତୀ ମଞ୍ଜୁ ରଶ୍ମି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ୁଛି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। କିଏ ଚାହୁଁଛି ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ ତ କିଏ ଚାହେଁ ଟେଲରିଂ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ। କାହାର ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସଭିଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ, ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧନ କାହିଁ। ଅନ୍ଧାରକୁ ହଟାଇ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଉଇଁସାରିଛି ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆସିଛି ଶୁଭବେଳା। ମୋଦି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, ତାହା ବି ମାତ୍ର 100 ଦିନ ଭିତରେ। ଆନେ ବାଲେ 25 ସାଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କି କୃପା ସେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ କି ବିକାଶ ଯାତ୍ରା କେ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ ଏକ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା, ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ଆମ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଛି, ଏବେ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ପରିବାର ଚଳେ। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୁଁ ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବି। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ପୂରଣ ହେବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଏବେ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ। ମାଧ୍ୟମ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା। ଏବେ ମହିଳାମାନେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ। ହୋଇଲେ ନାରୀର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି, ପରିବାରର ହେବ ଉନ୍ନତି, ସମାଜର ହେବ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଧାଇଁବ ଗାଁଠୁ ସହର, ସଶକ୍ତ ହେବ ମାତୃଶକ୍ତି, ବିକଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା।
ସଶକ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସୁଭଦ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜ କି ଇସ୍ ଅବସର ପର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ କେ ଅନ୍ତର୍ଗତ 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଂକ୍ସନ ଲେଟର୍ସ ପ୍ରଦାନ କିଏ ଯା ରହେ ହେଁ ଔର 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପହଲି କିସ୍ତ ଭି ଦି ଯା ରହି ହେ। ଇସି କେ ସାଥ ଆବାସ ପ୍ଲସ ଆପ୍ କା ଭି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋନେ ଯା ରହା ହେ ଜିସସେ ନଏ ପରିବାରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ନେ କା ଅବସର ଖୁଲେଗା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା କେ ସାଥ ଆପକୋ ବତାନା ଚାହୁଁଗି କି ଆଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଶହରୀ 2.0 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କା ଭି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋନେ ଯା ରହା ହେ। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେଜ କି ତରଫ ସେ 1,000 କରୋଡ଼ କେ ପ୍ରକଳ୍ପୋଁ କା ଶିଳାନ୍ୟାସ କିଆ ଯାଏଗା ଏବଂ ରେଲୱେଜ କି 4 ପରିଯୋଜନାଓଁ କା ଶିଳାନ୍ୟାସ ତଥା 4 ପ୍ରକଳ୍ପୋଁ କା ରାଷ୍ଟ୍ରକୋ ସମର୍ପଣ କିଆ ଯାଏଗା ଜିସକି କୁଲ ଲାଗତ ଲଗଭଗ 2,900 କରୋଡ଼ ହେ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह रिमोट का बटन दबाकर सभी परियोजनाओं का शुभारंभ शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण करें। श्री नरेंद्र मोदी जी। से ये योजनाएं उड़ीसा के विकास रथ के समर्थ सारथी बनेंगे। आइए देखते हैं इस खास ऑडियो विजुअल के जरिए। एवी प्लीज। खुद का पक्का घर देश के करोड़ों परिवारों के लिए कई दशकों तक यह केवल एक अधूरा सपना था, लेकिन जब 2014 में देश ने चुना ऐसा प्रधानमंत्री जिसने खुद गरीबी देखी थी, जो खुद गरीबी जी कर आया था, तो गरीबों का पक्के छत का हक और सपना भी होने लगा साकार। बीते 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक परिवारों ने पाया अपने पक्के घर का स्वाभिमान। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। मोदी 3.0 में भी हाउसिंग फॉर ऑल का विजन मिशन मोड में आगे बढ़ रहा है। तभी तो मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों का सबसे बड़ा फैसला है 5.36 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ और परिवारों के लिए पक्के घर का इंतजाम। प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगी 3 करोड़ और घर। और जब अपना घर होता है ना, तो जीवन बदल जाता है। छत्तीसगढ़ की पार्वती बैगा को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिला तो उनके जीवन में एक नई उम्मीद और स्थिरता आ गई। पार्वती पहले एक झोपड़ी में रहती थी जहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी, लेकिन पीएम आवास से पार्वती को अपने परिवार के लिए मिला एक सुरक्षित और मजबूत घर जिसमें शौचालय, बिजली, पानी जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध थीं। प्रधानमंत्री जी के करोड़ों नए घरों के निर्माण के फैसले से पार्वती बैगा जैसे करोड़ों गरीब परिवारों का सपना पूरा हुआ।
इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 10 लाख से अधिक लाभान्वित परिवारों का अपना घर हो रहा है स्वीकृत। इसके लिए 3180 करोड़ रुपए की पहली किश्त सीधा लाभान्वितों के खाते में की जा रही है ट्रांसफर। इसके अलावा 26,37,000 से अधिक घरों का प्रधानमंत्री जी द्वारा कराया जा रहा है गृह प्रवेश और 15 लाख घरों का प्रधानमंत्री जी जारी कर रहे हैं स्वीकृति पत्र। साथ ही योजना से वंचित लाभार्थियों की पहचान हेतु घरों के सर्वेक्षण के लिए आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप किया जा रहा है लॉन्च। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में 4 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों का होने जा रहा है गृह प्रवेश और कुछ लाभार्थियों को सौंपी जा रही है उनके सपनों के घर की चाबी। आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की भी हो रही है शुरुआत। इसमें 1 करोड़ परिवारों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। इससे 5 करोड़ लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का मिलेगा अधिकार। साथ ही विकसित भारत के लिए विकसित ओडिशा के संकल्प को मजबूती देते हुए आज प्रधानमंत्री जी ओडिशा वासियों को रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े करीब 3,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दे रहे हैं सौगात, जिनमें शामिल है रेलवे से जुड़ी 2900 करोड़ रुपए की 8 रेल परियोजनाएं। साथ ही लगभग 1000 करोड़ की 4 सड़क परियोजनाओं का भी हो रहा है शिलान्यास। इन सभी परियोजनाओं से ओडिशा और पूर्वोदय के विकास को मिलेगी तेज गति। महाप्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से यू ही नित आगे बढ़ेगा ओडिशा। जय जगन्नाथ। ये समस्त योजना आम विकास को शतगुणित करिबो सेथिरे संदेह र अवकाश नाही। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कोटि धन्यवाद। देवी और सज्जनों, हमारे पास सभी जिलों से आए हुए सुभद्रा हिताधिकारी उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सुभद्रा का प्रतीकात्मक कार्ड प्राप्त करना उनके लिए जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह हिताधिकारी महिलाओं को सम्मानित करें। अंजलि बारी केउझर, अनुरोध करूंगी मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। अंजलि ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, सिलाई का दुकान चलाती हैं। कोविड के समय उन्होंने बहुत संख्या में मास्क बनाकर लोगों की सहायता की थी और अपने व्यवसाय को इस प्रोत्साहन राशि से वो बड़ा करना चाहती हैं। अभिनंदन अंजलि। अभिनंदन फिर एक बार अंजलि बारिक जी को। हुंदाड़ी वड़ा का रायगढ़ से हमारी अगली हिताधिकारी जो कि डोंगरिया कौंद हैं और खेती बाड़ी करती हैं और इस सहायता राशि से वो अपने आसपास के गांव के हाट में अपने उत्पाद जो है उसे बेचकर व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हैं। अभिनंदन हुंदाड़ी वड़ा का। शुभकामनाएं हुंदाड़ी वड़ा का। अहल्या बंचर बलांगीर से हमारी अगली हिताधिकारी, उनका सपना है एक किराने की दुकान हो अपनी और वो खुद आत्मनिर्भर बने। सुभद्रा सहायता राशि से निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहन मिलेगा। अहल्या बंचर। हमारी अगली हिताधिकारी भारती मुंडा मयूरभंज से,
वैसे तो उनके गांव में सभी लड़कियां सुंदर हैं, पर उनको ब्यूटी पार्लर खोल के सबको और ज्यादा सुंदर बनाना है। और इस सपने में सुभद्रा सहायता राशि की भी बड़ी योगदान रहेगी। हमारी अगली हिताधिकारी मानसी भोई कटक से, जो किसान है और इस धनराशि से अपने बच्चों को और बेहतर पढ़ाई देना चाहती हैं। माँ तो आखिर माँ ही होती है। अभिनंदन सभी हिताधिकारियों को। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, वह PMAY शहरी के 4 लाख घरों के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से 2 हिताधिकारियों को चाबी प्रदान करें। दुर्गावती भोई हमारे साथ है, मैं अनुरोध करूंगी मंच पर आएं और अपने नए घर की चाबी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्रहण करें। दुर्गावती भोई, बहुत खुशी अच्छा नुआ घर पाई। सुबह श्री महाराणा जी से अनुरोध है, कृपया मंच पे आए और अपने नए घर की चाबी ग्रहण करें। बहुत बहुत अभिनंदन। इसी तरह से PMAY ग्रामीण के 26 लाख घरों के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से 2 हिताधिकारियों को चाबी प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। विश्वनाथ प्रधानी जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और अपने घर की चाबी ग्रहण करें। समस्तंकर निजर गोटे घर, प्रतिबद्धता सरकार कर। अभिनंदन विश्वनाथ जी। शुरू बाली किसान हमारे अगले हिताधिकारी, अनुरोध करूंगी मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। सभी हिताधिकारियों को बहुत बहुत अभिनंदन। देवियों और सज्जनों, वो स्वर्णिम क्षण जिसकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे थे अब उपस्थित है। सुभद्रा के शुभ आरंभ कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, अपने वाणी से, अपने अंतःदृष्टि से हमारा मार्गदर्शन करें श्री नरेंद्र मोदी जी। ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जुएल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्नपूर्णा देवी जी, ओडिशा के डिप्टी सीएम केवी सिंहदेव जी,
श्रीमती प्रभाती परिडा जी, सांसदगण, विधायकगण, देश के कोने कोने से आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव और ओडिशा के मेरे भाई और बहनों, ओडिशारो प्रिय भाई और भौणी मानंग को मोर अग्रिम शारदीय शुभेच्छा। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आज एक बार फिर मुझे ओडिशा की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। जब भगवान जगन्नाथ की कृपा होती है, जब भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद बरसता है, तब भगवान जगन्नाथ की सेवा के साथ ही जनता जनार्दन की सेवा का भी भरपूर अवसर मिलता है। साथियों, आज देश भर में गणेश उत्सव की धूम है, गणपति को विदाई दी जा रही है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी है। आज ही विश्वकर्मा पूजा भी है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां श्रम और कौशल को विश्वकर्मा के रूप में पूजा जाता है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ऐसे पवित्र दिन अभी मुझे ओडिशा की माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। और ये भी महाप्रभु की कृपा है कि माता सुभद्रा के नाम से योजना का आरंभ हो और स्वयं इंद्र देवता आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आज देश के 30 लाख से ज्यादा परिवारों को यही भगवान जगन्नाथ जी की धरती से देश भर के अलग अलग गांवों में लाखों परिवारों को पक्के घर भी दिए गए हैं। इनमें से 26 लाख घर हमारे देश के गांवों में और 4 लाख घर हमारे देश के अलग अलग शहरों में ये घर दिए गए हैं। यहां ओडिशा के विकास के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सबको, उड़ीसा के सभी लोगों को, सभी देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, उड़ीसा में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनते समय मैं शपथ ग्रहण समारोह में आया था। उसके बाद ये मेरी पहली यात्रा है। जब चुनाव चल रहे थे तब मैंने आपसे कहा था यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी,
तो उड़ीसा विकास की नई उड़ान भरेगा। जो सपने यहां के गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, ऐसे हमारे वंचित परिवारों ने देखे हैं, जो सपने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने, जो सपने हमारे नौजवानों ने, हमारी नौजवान बेटियों ने, जो सपने हमारे मेहनत कश मध्यम वर्ग ने देखे हैं, उन सबके सपने भी पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है और महाप्रभु का आशीर्वाद है। आज आप देखिए, जो वादे हमने किए थे वो अभूतपूर्व गति से पूरे हो रहे हैं। हमने कहा था हम सरकार बनते ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चारों द्वार खोलेंगे। सरकार बनते ही हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर परिषद के बंद द्वार खुलवा दिए। जैसा हमने कहा था मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया। भाजपा सरकार दिन रात जनता जनार्दन की सेवा के लिए काम कर रही है। हमारे मोहन जी, केवी सिंहदेव जी, बहन प्रभाती परिड़ा जी और सभी मंत्रियों के नेतृत्व में सरकार खुद जनता के पास जा रही है, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है और मैं इसके लिए यहां की मेरी पूरी टीम की, मेरे सभी साथियों की भरपूर प्रशंसा करता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये दिन एक और वजह से भी विशेष है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। कुछ दिन पहले ही 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसका फायदा मेरे उड़ीसा के गांवों को भी होगा। बजट में जनजातीय मंत्रालय के बजट में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी की गई है। देश भर में
करीब 60,000 आदिवासी गांवों के विकास के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई है। बीते 100 दिनों में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है। जो कर्मचारी है, जो दुकानदार है, मध्यम वर्ग के उद्यमी है, उनके इनकम टैक्स में भी कमी की गई है। साथियों, बीते 100 दिन में ही ओडिशा सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। हाल में ही धान किसानों, तिलहन और प्याज किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है ताकि देश के किसानों से ज्यादा कीमत पर खरीद हो। इसके अलावा बासमती के निर्यात पर लगने वाला शुल्क घटाया गया है। इससे चावल के निर्यात को बल मिलेगा और बासमती उगाने वाले किसानों को ज्यादा फायदा होगा। खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। इससे देश के करोड़ों किसानों को करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। बीते 100 दिन में सबके हित में ऐसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसके विकास में उसकी आधी आबादी यानी हमारी नारी शक्ति की बराबर भागीदारी होती है। इसलिए महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य, ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। यहां तो भगवान जगन्नाथ जी के साथ देवी सुभद्रा जी की मौजूदगी भी हमें यही बताती है, यही सिखाती है। मैं यहां देवी सुभद्रा स्वरूपा सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। इस डिजिटल करेंसी को आप सभी बहनें जब मन आए डिजिटल तरीके से खर्च भी कर पाएगी। देश में डिजिटल करेंसी की अपनी तरह की
इस पहली योजना से जुड़ने के लिए मैं उड़ीसा की माताओं, बहनों, बेटियां, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुभद्रा योजना में सुभद्रा योजना मां और भौणी मानंग को सशक्त करू, मां सुभद्रा निकट रे यहां मोर प्रार्थना। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है सुभद्रा योजना को ओडिशा की हर माता बहन बेटी तक पहुंचने के लिए पूरे प्रदेश में कई यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। इसके लिए माताओं बहनों को जागरूक किया जा रहा है, योजना से जुड़ी सारी जानकारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के लाखों कार्यकर्ता भी इस सेवा अभियान में पूरे जोर शोर से जुटे हैं। मैं इस जन जागरण के लिए सरकार प्रशासन के साथ साथ भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद और भाजपा के लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत में महिला सशक्तिकरण का एक और प्रतिबिंब है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के कारण छोटे से छोटे गांव में भी अब संपत्ति महिलाओं के नाम होने लगी है। आज ही यहां देश भर के लगभग 30 लाख परिवारों का गृह प्रवेश करवाया गया है। अभी तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार के कुछ महीने ही हुए हैं, इतने कम समय में ही 15 लाख नए लाभार्थियों को आज स्वीकृति पत्र भी दे दिए गए हैं। 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। ये शुभ काम भी हमने उड़ीसा की महाप्रभु की इस पवित्र धरती से किया है और इसमें बड़ी संख्या में मेरे उड़ीसा के गरीब परिवार भी शामिल है। जिन लाखों परिवारों को आज पक्का घर मिला है या पक्का घर मिलना पक्का हुआ है, उनके लिए ये जीवन की नई शुरुआत है और पक्की शुरुआत है। भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर
मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा ये बदलाव, उनकी ये खुशियां ही मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है। साथियों, उड़ीसा के पास वो सब कुछ है जो एक विकसित राज्य के लिए जरूरी होता है। यहां के युवाओं की प्रतिभा, महिलाओं का सामर्थ्य, प्राकृतिक संसाधन, उद्योगों के लिए अवसर, पर्यटन की अपार संभावनाएं, क्या कुछ यहां नहीं है। पिछले 10 वर्ष में केवल केंद्र में रहते हुए ही हमने साबित किया है कि उड़ीसा हमारे लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। 10 वर्ष पहले केंद्र की तरफ से उड़ीसा को जितना पैसा मिलता था, आज उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। मुझे खुशी है कि अब उड़ीसा में वे योजनाएं भी लागू हो रही है जो पहले लागू नहीं थी। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ अब उड़ीसा के लोगों को भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब तो केंद्र सरकार ने 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग के लिए भी 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कर दिया है। आपकी आय चाहे कितनी ही हो, आपके घर में अगर 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग है, उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, तो उनके इलाज की चिंता मोदी करेगा। लोकसभा चुनाव के समय मोदी ने आपसे वायदा किया था और मोदी ने अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई है। साथियों, गरीबी के खिलाफ भाजपा के अभियान का सबसे बड़ा लाभ उड़ीसा में रहने वाले दलित, वंचित और आदिवासी समाज को मिला है। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाना है। आदिवासी समाज को जड़ जंगल जमीन के अधिकार देने की बात हो, आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर देना हो, या ओडिशा की आदिवासी महिला को देश की माननीय राष्ट्रपति बनाना हो, ये काम पहली बार हमने किए हैं। साथियों, ओडिशा में कितने ही ऐसे आदिवासी इलाके, कितने ऐसे जनजातीय समूह थे जो कई कई पीढ़ियों तक विकास से वंचित थे। केंद्र सरकार ने जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की। उड़ीसा में ऐसी 13 जनजातियों की पहचान की गई है। जनमन योजना के तहत सरकार इन सभी तय विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। आदिवासी क्षेत्रों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 3 महीने में इस अभियान के तहत 13 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। भाइयों और बहनों, आज हमारा देश पारंपरिक कौशल के संरक्षण पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस कर रहा है। हमारे यहां
सैकड़ों हजारों वर्षों से लोहार, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे काम करने वाले लोग रहे हैं। ऐसे 18 अलग अलग पेशों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल विश्वकर्मा दिवस पर विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। इस योजना पर सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अभी तक 20 लाख लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। इसके तहत विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, आधुनिक औजार खरीदने के लिए हजारों रुपए दिए जा रहे हैं, साथ ही बिना गारंटी का सस्ता लोन बैंकों से दिया जा रहा है। गरीब के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तक की ये गारंटी, उनके जीवन में आ रहे ये बदलाव, यही विकसित भारत की असली ताकत बनेंगे। साथियों, उड़ीसा के पास इतना बड़ा समुद्री तट है, यहां इतनी खनिज संपदा है, इतनी प्राकृतिक संपदा है, हमें इन संसाधनों को उड़ीसा का सामर्थ्य बनाना है। अगले 5 साल में हम उड़ीसा को रोड और रेलवे की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। आज भी यहां रेल और रोड से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। आज मुझे लांजीगढ़ रोड, अंबोदला डोईकालू रेल लाइन देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। लक्ष्मीपुर रोड, सिंगराम टिकरी रेल लाइन भी आज देश को समर्पित की जा रही है। इसके साथ ही ढेंकनाल, सदाशिवपुर, हिंडोल रोड रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रही है। पारादीप से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी आज काफी काम शुरू हुए हैं। मुझे जयपुर नवरंगपुर नई रेलवे लाइन की आधारशिला रखने का सौभाग्य भी मिला है। इन प्रोजेक्ट से उड़ीसा के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। वो दिन दूर नहीं जब पुरी से कोणार्क रेलवे लाइन पर भी तेजी से काम शुरू होगा। हाईटेक नमो भारत रैपिड रेल भी बहुत जल्द ही ओडिशा को मिलने वाली है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओडिशा के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। साथियों, आज 17 सितंबर को देश हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मना रहा है। आजादी के बाद हमारा देश जिन हालातों में था, विदेशी ताकतें जिस तरह देश को कई टुकड़ों में तोड़ना चाहती थी, अवसरवादी लोग जिस तरह सत्ता के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए थे, उन हालातों में सरदार पटेल सामने आए। उन्होंने असाधारण इच्छा शक्ति दिखाकर देश को एक किया। हैदराबाद में भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतों पर नकेल कसकर 17 सितंबर को हैदराबाद को मुक्त कराया गया। इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस ये केवल एक तारीख नहीं है, ये देश की अखंडता के लिए, राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों के लिए एक प्रेरणा भी है। साथियों, आज के इस अहम दिन हमें उन चुनौतियों पर भी ध्यान देना है जो देश को पीछे धकेलने में जुटी है। आज जब हम गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं तो मैं एक विषय इसी से जुड़ा उठा रहा हूं। गणेश उत्सव हमारे देश के लिए केवल एक आस्था का पर्व ही नहीं है, गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में भी
बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे, देश को जातियों के नाम पर लड़वाना, समाज में जहर घोलना, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का हथियार बन गया था। तब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों के जरिए भारत की आत्मा को जगाया था। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, इन सबसे ऊपर उठकर हमारा धर्म हमें जोड़ना सिखाता है। गणेश उत्सव इसका प्रतीक बन गया था। आज भी जब गणेश उत्सव होता है, हर कोई उसमें शामिल होता है। कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, पूरा समाज एक शक्ति बन करके, एक सामर्थ्यवान बन करके खड़ा होता है। भाइयों और बहनों, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और, कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। साथियों, हमें साथ मिलकर अभी कई बड़े मुकाम हासिल करने हैं। हमें उड़ीसा को, अपने देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। उड़ीसा बांसी करो समर्थनो पोइमो चिरऋणी मोदी रो अस्सा। सारा भारत कोई वो सुनना रो ओडिशा। मुझे विश्वास है विकास की रफ्तार आने वाले समय में और तेज होगी। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाले समय में विकास की रफ्तार और भी तेज होने जा रही है। प्रधानमंत्री का